जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 14 एक महत्वपूर्ण सरल संख्या देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये सरल संख्या आपको बहुत सारे जगह पे काम आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहला लिया है हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाला में यहाँ केवल प्लस होता है, माइनस वाला माइनस होता है। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि अगर आपको ये वाला याद नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे? आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रखना है तो कहने का मतलब आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाला प्लस 2ab है। अगर आप इसमें से माइनस 2ab कर दोगे तो यही आपका फार्मूला बन जाता है, यानी कि ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये वाला माइनस 2ab हो जाता है। तो इस तरह से आप ख्याल रख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है ना कि a माइनस बी वाला में ये वाला क्या होता है कि ये होता है माइनस 2ab। अगर माइनस 2ab है तो अगर आप उसमें 2ab जोड़ दोगे तो यहाँ भी इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचता है। तो इसको आप समझ सकते हो। अब देखते हैं पाँचवा सरल संख्या a प्लस बी के होल क्यू का, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक कोष्ट में a प्लस बी और माइनस वाला में हर जगह माइनस होता है, ये आप ख्याल कर सकते हो। अब देखते हैं सरल संख्या सातवां ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें क्या होता है कि एक कोष्ट में a प्लस बी दूसरे कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि प्लस वाला में ना यहाँ पे माइनस होता है और माइनस वाला में यहाँ पे प्लस होता है, यानी कि बाकी सब सेम होता दोनों ही। लेकिन अगर प्लस वाला फार्मूला रहेगा तो यहाँ माइनस होता है, अगर माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पे प्लस होता है, बाकी अगर माइनस वाला है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस वाला है तो प्लस ही रहेगा। तो इसको आप ख्याल रखेंगे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो अगर आप इसमें से घटाएंगे ना तो कुल मिला के आपका यही वाला बचता है, यानी कि इसका बचता है 2ab और इसका होता है माइनस 2ab। तो माइनस 2ab एक तो ये वाला माइनस हो जाती है प्लस, तो इस तरह से 2 हो जाती है 4ab, तो यही वाला बचता है, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हल करके, आपका सेम इतना ही आएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे एग्जाम में आए तो उतना हल ना करके आप सीधा ही 4ab लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं सरल संख्या दसवां a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी कि एक बार आपको लेना है ab, एक बार bc, एक बार ac, इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखते हैं फार्मूला 11वां ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का, ये सरल संख्या आपको क्लास 9th में देखने को मिलते हैं, इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी एक कोष्ट में और दूसरा कोष्टक में होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला 12वां ए की घात में 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ab प्लस 1, यानी कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 13वां a घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी घात 4, इसमें क्या होता है कि इसमें सेम टू सेम इसी की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ घात में 4 है और यहाँ स्क्वायर है तो इसी को थोड़ा इम्प्रोमाइज किया है, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कोष्ट में दूसरे कोष्ट में ए प्लस बी
और ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ही निकाला गया है, क्योंकि अगर आप इसको निकालोगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा और माइनस में बी स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा। अगर आप एक क्वेश्चन में लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, इस तरह से आपका ये निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय।